जब भी किसी की कार या बाइक चोरी हो जाते तो लोग पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2005 में ऑडी कंपनी ने अपनी A3 कार की लॉन्चिंग रखी थी, लेकिन इससे पहले ये कार एक शो में लॉन्च हो पाती, उससे पहले ये कार चोरी हो गई और कंपनी ने इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया, बल्कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में खबर छपवा दी थी। पर आखिर ऑडी ने ऐसा क्यों किया? असल में उस शो के दौरान खुद ऑडी ने अपनी कार चोरी करवाई थी, और वो इसलिए क्योंकि ये हरकत ऑडी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिससे लोगों को इसका भौकाल मच जाए और इसकी सेल अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑडी की इस ट्रिक ने काम भी किया और कंपनी की सेल भी बढ़ गई। नंबर 2, आपके अकाउंट में इतना कैश है कि आप कोई भी चीज आसानी से ले सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एप्पल के बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए होने के बावजूद भी एप्पल ने 45,000 करोड़ का लोन लिया है? पर सवाल यह है कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया? असल में एप्पल के सर कैश रिजर्व US में न होते हुए दूसरी कंट्रीज में है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में कंपनी को टैक्स काफी कम देना पड़ता है और अपने ही पैसे को US में मांग कर यूज करने के लिए इन्हें दूसरी कंट्रीज में फिर से 30% टैक्स देना पड़ता है। और US में एप्पल को लोन 4-5% में मिल रहा है, और यही वजह है एप्पल ने लोन लेने की गुहार लगाई है। नंबर 3, अभी तक आपने कई ऐसे संतों के बारे में सुना होगा जो कि समाधि लेकर बैठ जाते हैं और सालों तक उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं, और इनके भक्त उन्हें हमेशा पूछते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में मौजूद श्री रंगनाथ जी मंदिर में एक ऐसा मृत शरीर है जिसे सालों से लोग पूछते आ रहे हैं? असल में ये मृत शरीर श्री रंगनाथ जी के भक्त रामानुजाचार्य जी का है, जिसे पिछले 1000 सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है। अमेजिंग बात यह है कि इस बॉडी को हर साल केसर, कपूर और चंदन से पेंट करके रखा जाता है, क्योंकि ये इस मूर्ति को सालों तक ऐसे ही रखने में मदद करते हैं, और यही चीज इस मंदिर को और भी ज्यादा खास बनाती है। नंबर 4, हम इंसान इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि किसी भी लड़की को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वो मैरिड है या फिर सिंगल, और इस बात का पता हम लेडीज के पहनावे और मेकअप से लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई में ये काम लोग एक अलग ही लेवल पर करते हैं, यानी कि शादीशुदा और सिंगल औरतों का पता लगाने का काम? असल में स्टेट के कल्चर के मुताबिक कोई भी हवाईयन लेडी अपने लेफ्ट कान के पीछे किसी फ्लावर को लगाती है, तो इसका मतलब होता है कि या तो वो लेडी मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड है। और अगर कोई लेडी अपने राइट ईयर के पीछे फूल लगाती है तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन साथी की तलाश में है या फिर सिंगल है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि USA, नीदरलैंड, रूस, थाईलैंड और मैक्सिको में कैनाल वॉल्टिंग नाम का एक स्पोर्ट्स काफी ज्यादा फेमस है? इस स्पोर्ट में 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है और इसके बाद इन्हें 60 फीट चौड़ी इस पोल की मदद से क्रॉस करना होता है। इस पोल की लंबाई करीब 40 फीट होती है, और इस कॉम्पिटिशन में जो भी कैंडिडेट इस नहर को सबसे लंबी दूरी पर जंप करता है उसे 10-15 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। और यही वजह है कि स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इसी लालच में लाखों की संख्या में यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।